हेलो गाइस ये कहानी है योगी और बूबू नाम के दो भालुओं की जो कि जेलेस्टोन नाम के पार्क में रहते हैं ये दोनों भालू बाकी भालुओं से काफ़ी अलग हैं इनकी खासियत ये है कि ये इंसानों की तरह बात कर सकते हैं तो गाइस वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें तो अब हम इस मूवी पे आते हैं जिसका नाम है योगी बी और मूवी के स्टार्ट में हम योगी और बूबू नाम के दो भालुओं को देखते हैं ये दोनों आम इंसानों की तरह बात कर सकते हैं ये दोनों जेल स्टोन पार्क में आने वाले लोगों से उनकी फूड बास्केट चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं पर हमेशा की तरह योगी से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है ये योगी हमेशा फूड बास्केट चुराने के लिए नई नई तरीके आजमाता रहता था आज योगी ने अपने दिमाग लगाते हुए पार्क के बेंच में एक स्प्रिंग मशीन लगाई थी जिससे वहाँ फूड बास्केट रखते ही, वो उछल सीधे योगी बियर के हाथों में गिरेगा अभी इन दोनों का पहला शिकार आया ही था कि तभी उस पार्क का रेंजर स्मिथ वहाँ आता है और योगी से कहता है हमें लोगों की कंप्लेन आ रही है कि कोई भालू उनका खाना चुरा लेता है कहीं वो तुम दोनों तो नहीं योगी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं हम तो बहुत भोले और अच्छे भालू हैं आप हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं तभी उस टेबल से एक बास्केट उड़ती हुई उनकी तरफ आती है और फिर कुछ देर में योगी के मुंह पे एक केक आके गिरता है योगी और बोबू वहाँ से चले जाते हैं ये जॉन है जो कि इसमें का इंटर्न है और इसे बहुत जल्दी है एक रेंजर बनने की पर यह है बिल्कुल भी नालायक एक दिन रेंजर रस्मित के ऑफिस में एक लड़की आती है जिसका नाम रचेल है वो कहती है कि वो इस पार्क के बोलने वाले भालू योगी और इस पार्क सुंदरता पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है अब सीन शिफ्ट होती है और हम उस शहर के मेयर को देखते हैं जिनका शहर बहुत जल्दी बैंक्रफ्ट होने वाला है और उनके शहर में जो भी हो सकता था बेचने लायक वो बेच चुके थे अब बचा था सिर्फ वो जेल पार्क वो दिमाग लगाता है कि इस पार्क को वो अगर एग्रीकल्चर लैंड में बदल देंगे जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और अगले इलेक्शन में उस पैसे से वो वोट खरीद कर गवर्नर बन जाएंगे स्मिथ रेचल को योगी और बुबू से मिलवाता है रेचल बुबू के गर्दन में एक कैमरा लगा देती है जो हर वक्त उनकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा योगी और बुबू काफ़ी खुश थे क्योंकि अब वो स्टार जो बनने वाले थे कुछ देर बाद वहाँ पार्क में वो मेयर आता है और रेंजर स्मिथ से कहता है कि वो लोग इस पार्क को बंद कर रहे हैं क्योंकि ये पार्क बहुत घाटे में जा रहा है और पिछले दस सालों में ये अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाया है रस्मित उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करें ये पार्क सौ साल पुराना है और पूरे शहर में सिर्फ यही एक ऐसा पार्क है जहाँ आकर लोग नेचर के इतने करीब आ पाते हैं पर वो मेयर नहीं मानता है तब स्मिथ उनसे कहता है कि पार्क अपने अगले क्वार्टर तक अपनी कमाई पूरा कर लेगा मेयर उनसे कहता है कि तुम्हें पता है अगले क्वार्टर आने में सिर्फ एक हफ्ता बचा है और तुम्हें बीस हज़ार डॉलर जमा करना होगा स्मिथ उनसे कहता है वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे मेयर उनसे अगले हफ्ते मिलने का बोलकर चले जाते हैं इधर अपने गुफा में बूबो अपने पालतू कछुए को खाना खिला रहा था और योगी फूड बास्केट चुराने के लिए अपने नए आविष्कार में लगा हुआ था योगी ने एक उड़ने वाली साइकिल बनाई थी जिस जिसपे योगी और बुबू बैठकर कोई भी बास्केट कहीं से भी चुरा कर उड़ सकते थे योगी बुबू को अभी यह उड़ने वाली चीज़ दिखा ही रहा था कि रेंजर स्मिथ योगी को ढूंढते हुआ वहाँ आता है योगी जल्दी से उस साइकिल और बुब्बू को कपड़े से ढक देता है स्मिथ योगी से पूछता है कि तुमने फिशिंग पोल चुराई है क्या वो मिल नहीं रही है तभी स्मिथ की नज़र उस कपड़े पर पड़ती है वो उसे उठाकर देखता है वो साइकिल देखकर समझ जाता है कि ये योगी ने क्यों बनाई है और वो उस साइकिल को ले जाकर गैराज में बंद कर देता है स्मित योगी से कहता है कि प्लीज़ तुम अब लोगों को परेशान करना बंद कर दो क्योंकि जेल बहुत मुसीबत में है हमें बीस हज़ार डॉलर जमा करने हैं नहीं तो ये पार्क हमसे छीन लिया जाएगा रैचल अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने में बिजी थी तब स्मित वहाँ जाकर उससे डिनर के लिए पूछता है स्मिथ रेचल के लिए खाना बनाया था वो लोग डिनर कर ही रहे थे तभी वहाँ योगी और बुबू आते हैं और योगी अपने जमा किए हुए कुछ डॉलर देता है और कहता है कि इस पार्क को बचाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं स्मिथ उनसे कहता है अगर तुम लोग वाकई में इस पार्क को बचाना चाहते हो तो प्लीज़ छिपे रहो और लोगों से दूर रहो योगी उनसे प्रॉमिस करता है कि अब से बिल्कुल भी वो लोगों को परेशान नहीं करेगा और छुपा रहेगा रचल को वहाँ उस पार्क की सीज़न पास मिलती है वो कहती है कि ये कितनी सस्ती है पर स्मिथ कहता है हाँ सस्ता होता अगर लोग यहाँ आते तब रचल उससे कहती है कि क्यों ना हम इस पार्क की सौवीं एनिवर्सरी मनाएं और फायर का प्रोग्राम बनाए और उस दिन जो भी लोग सीजन पास खरीदेंगे हम उन्हें दस डॉलर की छूट देंगे स्मिथ को यह आइडिया अच्छा लगा इससे शायद वो पार्क को बचा पाएगा अब वो लोग जेल पार्क की सोम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की एडवर्टाइज़मेंट में लग जाते हैं जॉन भी घूम घूम कर पैम्पलेट बांट रहा था तब उसे वो मेयर मिलता है मेयर सोचता है कि अगर इन लोगों का प्रोग्राम सफल हो गया तो वो लोग इस पार्क को बचा लेंगे इसलिए वो जॉन को लालच देता है कि अगर वो इस प्रोग्राम को बर्बाद कर देता है तो वो उसे इस पार्क का हेड रेंजर बना देगा और जॉन उसकी लालच में आ जाता है अब दिन आ गया था पार्क के एनिवर्सरी की काफ़ी लोग आए थे इधर ये योगी दो दिनों से बिना लोगों को फूड बास्केट खाए हुए परेशान हो रहा था वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था पर बुबो योगी को समझाता है कि तुमने रेंजर को प्रॉमिस किया है जॉन मेयर से कहता है कि उसने काफ़ी कोशिश की इस प्रोग्राम को बंद कराने की लेकिन लोग उसकी मान ही नहीं रहे हैं मेयर उससे कहता है तुम रेंजर बनने के काबिल ही नहीं हो तब जॉन को आइडिया आता है योगी को भड़काने का वो जाकर योगी से कहता है कि रेंजर रस्मित पागल हो गया है उनका यह फायर शो फ्लॉप होने वाला है क्योंकि लोग ऐसे फायर शहरों में रोज देखते हैं योगी तो पहले से ही बेकाबू था वो कहता है कि अब वो लोगों को अपना प्रोग्राम दिखाएगा रेंजर रस्मित और रेचल फायर शो की तैयारी में लगे हुए थे तभी वो लोग देखते हैं कि योगी और बोबो बोट से वाटर स्कीइंग करने वाले हैं योगी नए नया स्टंट दिखा रहा था जिसे देखकर लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे योगी स्कीइंग करते करते आग जलाकर स्टंट कर रहा था तभी उसके पीछे के कपड़े में आग लग जाती है जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस होकर रेंजर स्मिथ के ऊपर से पार करता हुआ पानी में गिरता है उसकी तो आग वाली छड़ी पटाखों पर गिरने ही वाली थी कि स्मिथ ने उसे कैच करके रोक लिया और उसे पानी में फेंक दिया वो लोग सोचते हैं काश बज गए पर योगी का जलता हुआ कपड़ा आकर पटाखों पर गिरता है और फायर वर्क शुरू हो जाता है जो कि लोगों की तरफ ही गिरने लगती है सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और यह प्रोग्राम फाइनली बर्बाद हो चुका था अगले दिन योगी जाके स्मिथ से माफ़ी मांगता है पर स्मिथ इस बार उस पर काफ़ी भड़का हुआ था बहू से कहता है कि तुम एक नॉर्मल भालू की तरह क्यों नहीं रह सकते देख लिया ज़्यादा दिमाग लगाने का नतीजा तुमने पूरे पार्क को बर्बाद कर दिया अगले दिन मेयर स्मिथ का ट्रांसफर एक एवरग्रीन नाम के पार्क में करवा देता है और जॉन को उस पार्क का हेड रेंजर बना दिया जाता है स्मिथ अपने सामान लेके जेल स्टोन से चला जाता है योगी भी उदास हो जाता है कि उसकी वजह से स्मिथ चला गया वो बबू से कहता है कि वो जंगल में जा रहा है और अब वो एक नॉर्मल भालू की जिंदगी जिएगा जॉन रेंजर बनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था स्मिथ को पार्क के नाम पर एक स्ट्रीट के छोटे से जगह पर ट्रांसफ़र किया गया होता था जहाँ नाम मात्र के एक दो पेड़ थे और सिर्फ कचरा ही था वहाँ मेयर जाके जॉन से कहता है कि हम यहाँ के कुछ पेड़ काटने वाले हैं उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए पर जॉन को यह नहीं मालूम था कि पूरे पार्क को काट करके एग्रीकल्चरल लैंड में बदलने वाले थे वो लोग बुबू जंगल में योगी को ढूंढता है और उससे कहता है कि तुम्हें जेल को बचाना ही होगा क्योंकि वो लोग पेड़ काट रहे हैं और धीरे धीरे वो सारे पेड़ काट देंगे योगी और बुबू स्मित को ढूंढने के लिए शहर में जाते हैं और एक कवाली वाले से उसके ट्रॉली लेकर स्मित के पास पहुंचते हैं पर योगी की किस्मत ऐसी थी कि वो जहां भी जाता था उससे गड़बड़ हो ही जाती थी योगी और बुबो स्मित को समझाते हैं कि जेल बर्बाद हो रहा है और हमें उसे बचाना ही होगा क्योंकि हम बुराई के सामने ऐसे नहीं झुक सकते वो तीनों जेल स्टोन हैं वहाँ उन्हें रेचल भी मिलती है स्मित रेचल से जाकर अपने दिल की बात उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है रेचल उन लोगों को बताती है कि जब वो बूबू के गले वाले कैमरा चेक कर रही थी तो उसे, उसे बुबू के साथ एक कछुआ दिखा जिसके आंख और मुंह मेढक जैसे हैं और इस कछुए की प्रजाति पिछले सौ सालों से खत्म हो चुकी है पर एक बचा हुआ है और वो यहाँ जेल स्टोन में रहता है मतलब अगर हम इस कछुए को ढूंढ लें तो वो लोग कानूनी तौर पर इस कछुए की वजह से इस पार्क को बंद नहीं कर पाएंगे और हमारा जेल स्टोन बच जाएगा मेरे को इसके बारे में पता चलता है तो वो जॉन को उस कछुए को ढूंढ कर लाने को कहता है स्मित पार्क में एक दूसरे रास्ते से उन सबको अंदर लेके जाता है तब तक जॉन को कछुआ मिल चुका था मेयर उससे कहता है उसके आदमी कछुआ लेने आ रहे हैं स्मित और योगी को जॉन तक पहुँचने के लिए बीच में एक नदी पड़ती थी तब योगी उनको अपनी उड़ने वाली साइकिल दिखाता है और कहता है कि वो और बबू कछुए को लेकर अभी आ जाएंगे अब योगी और बबू उस उड़ने वाली साइकिल को लेकर उड़ जाते हैं पर हमेशा की तरह योगी की इन्वेंशन आधी अधूरी ही रहती है पर फिर भी वो लोग उस साइकिल को अच्छे से चला रहे थे कछुए को लेने के लिए मेयर के आदमी जॉन के पास आ चुके थे पर जॉन को अब उन लोगों पर शक होने लगा था जॉन देखता है ऊपर से योगी कछुए को लेने के लिए आ रहा है तो वो बात करके और टाइम वेस्ट करने लगता है ताकि योगी कछुए को ले जा सके योगी और बोगो कछुए को ले जाने में सफल होते हैं पर अब वो लोग हवा के विरुद्ध जाने लगते हैं जिसकी वजह से उनका प्लेन टूट जाता है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं पर योगी के इमरजेंसी सेफ्टी की वजह से वो दोनों सही सलामत नदी में लैंड होते हैं स्मिथ और रेचल उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर योगी उनको भी अपने बोर्ड पे ही खींच लेता है अब वो चारों जेलीस्टोन वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे थे पर किस्मत से वो एक पेड़ पे अटक जाते हैं जहाँ से आगे जॉन उन्हें अपने साथ लेके जाता है वो सब मेयर के पास पहुँचते हैं और उन्हें ये कछुआ दिखाते हैं पर मेयर कहता है कि किसी को नहीं पता कि ये कछुआ यहाँ रहता है कि नहीं इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और वो अपने आदमियों को उनसे कछुआ छीन लेने को कहता है उसके आदमी कछुआ को लेकर चले जाते हैं पर रास्ते में कछुआ उनकी गाड़ी से भाग जाता है स्मिथ को आइडिया था कि बोबो का कैमरा ऑन था तो मेयर ने वहाँ जो भी कहा उसमें रिकॉर्ड हो गया होगा मेयर जब अपना भाषण दे रहा था तो स्मिथ चुपके से जा वो क्लिप प्ले कर देता है जिसमें वो कह रहा होता है कि उसे सिर्फ सत्ता चाहिए उसे पर्यावरण की कोई परवाह नहीं सबके सामने मेयर एक्सपोज हो चुका था जेल स्टोन पार्क बच चुका था और अब फिर से पहले की तरह ही लोग अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी से शांति पाने के लिए इस पार्क में आने लगे थे स्मिथ और रेचल अपना अपना प्यार इजहार करते हैं और योगी तो योगी ही ठहरा फिर से अपनी वो बास्केट चोरी करने में लग गया था और ये मूवी यहीं द एंड हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज प्लीज तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट आइकन